तो ये सेकंड चैप्टर का हमारा आखिरी लेक्चर होगा और आज हम लोग बात करेंगे दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। पहला एपोमिक्सिस और फिर हम लोग पढ़ेंगे पॉली एम्ब्रियोनी। पहले स्टार्ट करते हैं एपोमिक्सिस। पहले मैं आपको एपोमिक्सिस बता रहा हूँ इन मोस्ट इजीएस्ट वे, सबसे आसान तरीके से। जैसा कि अभी तक हम लोग पढ़ते चले आए हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक फीमेल गैमेट होनी चाहिए, जिसको हम लोग एग शेल भी बोलते हैं, जो कि हैप्लॉयड होगी, और एक अपोजिट सेक्स के पेरेंट से गैमीट आना चाहिए, यानी कि एक मेल गैमीट होना चाहिए। और एक एग शेल यानी फीमेल गैमीट और एक मेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं, और इस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, या फिर हम लोग यहां पे इसको क्या बोल रहे हैं, सिंगैमी, सिंगैमी, इसको हम लोग बोल रहे हैं सिंगैमी, विच रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ डिप्लॉयड सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट, इसको हम लोग बोलेंगे जाइगोट। और ये जाइगोट जो है ये यूनिसेलुलर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, इसमें रैपिड माइटोटिक डिविजन होते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में, और इस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो। जब ये ट्रांसफॉर्मेशन या कन्वर्जन होता है तो जो फ्लावर का ओव्यूल है, ओव्यूल्स जो है ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं सीड्स में, ओव्यूल्स जो है ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसमें, सीड्स में। इतनी बात हमको बहुत अच्छी तरीके से समझ आती है कि यूजुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पैरेंटल इन नेचर होगा, अपोजिट सेक्स से दो अपोजिट गैमीट्स आएंगे, मेल एंड फीमेल गैमीट्स, जो यूजुअली हैप्लॉयड होंगे, और ये दोनों गैमीट्स आपस में फ्यूज करेंगे, फ्यूजन की प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलेंगे या सिंगैमी बोलेंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, रैपिड माइटोटिक डिविजन के थ्रू ये एम्ब्रायो बनाएगा, और जब ये कन्वर्जन होता है तो ओव्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं सीड्स में और ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। और ये जो सीड है इसके थ्रू आगे चल के हम लोग एक नया प्लांट बना लेते हैं। लेकिन यहां पे समझना ये है कि अगर इसका कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, मेल पेरेंट या फिर मेल गैमीट का कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, यानी कि हम बात कर रहे हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन वाली कंडीशन की। तो उस केस में एक डिप्लॉयड एग शेल, यहां पे एक पॉइंट मैंने लिखा है डिप्लॉयड एग शेल, कहां से आई ये भी हमको पता चल जाएगा, एक डिप्लॉयड एग से डायरेक्टली जाइगोट बना ले, और ये भी डिप्लॉयड ही होगा, तो ये जाइगोट कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो में, और उस टाइम पे फिर अब की बार ओव्यूल्स कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, सीड्स में। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि एक डिप्लॉयड एग शेल बिना फर्टिलाइजेशन के जाइगोट बना ले, जाइगोट जब एम्ब्रियो बनाएगा तो ओव्यूल्स सीड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी ये जो सीड बन रहा है ये बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहा है, यानी कि प्रोडक्शन हो रहा है सीड का विदाउट फर्टिलाइजेशन, और इसी प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन को हम लोग बोलते हैं एपोमिक्सिस, इसी को हम लोग बोलते हैं एपोमिक्सिस। तो हमें लगता है कि ये बहुत आसानी से आपको समझ आ गया होगा कि एपोमिक्सिस एक प्रोसेस है प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एपोमिक्सिस। और ये जो सीड बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के, इस सीड को हम लोग बोलेंगे एपोमिटिक, एपोमिटिक सीड। तो दो बातें हमने आपसे करी कि प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन एपोमिक्सिस, और इस पर्टिकुलर सीड को जो बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहा है इसको हम लोग बोलेंगे एपोमिटिक सीड। प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन एपोमिक्सिस, और सीड्स जो बने हैं बिना फर्टिलाइजेशन के उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एपोमिटिक सीड बोलेंगे।
अब एक चीज समझिए यहाँ पे कि अभी भी ये सीड नया प्लांट बनाएगा, क्योंकि सीड का फंक्शन, सीड जो है ये एक पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर की तरह एक्ट करता है, जो फाइनली आफ्टर द अराइवल ऑफ सुटेबल एनवायरमेंट और फेवरेबल कंडीशन ये जर्मिनेट करके नया प्लांट बनाएगा। तो सीड कैसा भी हो, चाहे फर्टिलाइजेशन के थ्रू बना हो चाहे विदाउट फर्टिलाइजेशन के थ्रू बना है, तो हम ये कह रहे हैं कि प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन एपोमिक्सिस है, और जो सीड्स बनेंगे इनको हम एपोमेटिक सीड बोलेंगे, और ये सीड भी क्या बनाएंगे, नया प्लांट बनाएंगे। तो एक पुराने प्लांट से, एक पेरेंटल प्लांट से नए प्लांट का बनना रिप्रोडक्शन होता है, और हम किसी भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब बोल पाते हैं जब उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, और यहाँ तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, यहाँ तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है। तो हम किसी भी कंडीशन में इस रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं शुरू से ही आपको बताता चला आ रहा हूँ कि किसी भी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तब कंसीडर करते हैं जब उसमें फर्टिलाइजेशन हो। फर्टिलाइजेशन इज मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे सीड नया प्लांट बना रहा है, तो नया प्लांट बनेगा रिप्रोडक्शन बोलेंगे, लेकिन चूंकि इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो हम रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोलेंगे, डेफिनेटली ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि एपोमिक्सिस जो है एक तरीके का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एपोमिक्सिस एक तरीके का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो सीड्स बना करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल कर रहा है। फिर बोल रहा हूं मैं, ध्यान से इसको सुनिए, यहाँ पे सीड्स बन रहे हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, एपोमेटिक सीड बोल रहे हैं, प्रोसेस को एपोमिक्सिस बोल रहे हैं, ये सीड नया प्लांट बनाएंगे, नए प्लांट के प्रोडक्शन को रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो रिप्रोडक्शन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं। तो एपोमिक्सिस डेफिनेटली एक तरीके का क्या हो गया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, एपोमिक्सिस एक तरीके का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया जो सीड्स बना करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल कर रहा है। तो एपोमिक्सिस एक तरीके का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो सीड्स बना करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल कर रहा है। एनसीईआरटी भी यही कह रही है कि एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एपोमिक्सिस एक तरीके का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो सीड बना करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल कर रहा है। एपोमिक्सिस एक तरीके का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो सीड बना करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल कर रहा है। ये फिनोमेना या ये प्रोसेस या एपोमिक्सिस हमको देखने को मिलती है एस्ट्रेसी स्पीसीज में, ग्रासेस में ये दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हमको याद रखने हैं एपोमिक्सिस के लिए। तो हमें लग रहा है आपको एपोमिक्सिस बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब ये जो डिप्लॉयड एग शेल हमने लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको बात समझ नहीं आ रही होगी कि एग शेल मतलब गैमेट्स और गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड लाइन हमने याद करी है, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये डिप्लॉयड एग शेल है। तो इस डिप्लॉयड एग शेल के बनने के वेरियस वेज होंगे, डिफरेंट तरीके होंगे, सिर्फ क्या छोड़ करके, मियोसिस को छोड़ करके। इस चीज को हम समझते हैं कि ये एग शेल जो है डिप्लॉयड जिसको हम बोल रहे हैं ये आई कहाँ से है। तो अगर हम बात करें कुछ सिट्रस फ्रूट्स की, या फिर अगर हम बात करें मैंगो फ्रूट की, तो मैंगो या सिट्रस के प्लांट में जो फ्लावर है उसमें ओव्यूल के स्ट्रक्चर को अगर हम समझें तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमको बहुत अच्छी तरीके से आता है कि ओव्यूल में दो कवरिंग्स प्रोटेक्टिव लेयर्स होंगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट्स बोलते हैं। और ओव्यूल के अंदर यहाँ पे एक सिंगल फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होती है जो कि 7 सेड 8 न्यूक्लिएटेड होती है, और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के चारों तरफ यहाँ पे कुछ न्यूट्रिटिव डिप्लॉयड सेल्स होती हैं। एक एक शब्द ध्यान में रखिएगा, हमने कहा कि ओव्यूल के अंदर यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट होगी जो कि एक फंक्शनल मेगा स्पोर से बनी हुई होगी, और मेगा स्पोर्स बने होंगे मेगा स्पोर मदर सेल से। तो इस ओव्यूल के अंदर मेगा स्पोर मदर सेल होगी एक, वो 4 मेगा स्पोर्स बनाएंगे, उसमें से 1 मेगा स्पोर फंक्शनल होगा जो इस कंप्लीट फीमेल गैमेटोफाइट को बनाएगा। और इसके चारों तरफ हमने कहा कि यहाँ पे कुछ न्यूट्रिटिव डिप्लॉयड सेल्स होंगी,
और इन न्यूट्रिटिव डिप्लॉयड सेल्स को हम लोग बोलते हैं न्यूसेलर सेल्स, न्यूसेलर सेल्स या फिर मास ऑफ न्यूसेलर सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूसेलस। मैंने कहा कि ये कैसी हैं, डिप्लॉयड हैं, ये बात याद रखनी है, डिप्लॉयड हैं, जो कि नरिश करती रहती हैं इस डेवलपिंग मेगा स्पोर मदर सेल को, डेवलपिंग मेगा स्पोर को और इस डेवलपिंग फीमेल गैमेटोफाइट को। सपोज इसमें से एक सेल, एक न्यूसेलर सेल प्रोट्यूड कर गई इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट, तो यहां पे एक न्यूसेलर सेल आ गई। ये न्यूसेलर सेल जो है ये कैसी है, डिप्लॉयड है। तो हमने आपको बताया कि इस न्यूसेलस में से एक न्यूसेलर सेल जो है ये प्रोट्यूड कर गई इनसाइड द एम्ब्रायो सैक, और ये पर्टिकुलर सेल जो है ये एक्ट करने लगी एग सेल की तरह, एग सेल की तरह। तो क्या आपको ये बात समझ आ गई कि ये जो एग सेल है ये कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। इतनी बात आपको समझ आई, हमने कहा कि डिप्लॉयड एग सेल, आपको जो नहीं समझ आ रहा था वो अब समझ आ गया होगा कि एग सेल तो वैसे हैप्लॉयड होती है। क्यों मैं बोल रहा हूं कि ये वाली एग सेल जो है ये डिप्लॉयड है, मैंने आपको बताया कि ये जो न्यूसेलर सेल्स हैं, न्यूसेलस है जो, इसमें से कोई एक न्यूसेलर सेल, या फिर इसको आप ऐसे समझिए कि न्यूसेलस में से जितनी भी न्यूसेलर सेल्स होंगी सारी की सारी न्यूसेलर सेल्स कैसी होंगी, डिप्लॉयड होंगी, कैसी होंगी, डिप्लॉयड होंगी। तो सपोज एक न्यूसेलर सेल प्रोट्यूड कर गई, एंटर कर गई इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट, तो इसकी पोलैरिटी तो चेंज हो नहीं जाएगी, ये अभी भी क्या है, डिप्लॉयड है। अब ये एक्ट करने लगी एक एग सेल की तरह, यानी कि अब की बार ये जो एग सेल है हमारे पास ये कैसा है, डिप्लॉयड है। अब समझ आ गया कि एग सेल को मैं डिप्लॉयड क्यों बोल रहा हूं। अब ये जो एग सेल है, ये जो एग सेल है ये एक्ट करने लगेगी जाइगोट की तरह, यही एग सेल एक्ट करने लगी किसकी तरह, जाइगोट की तरह, क्योंकि जाइगोट की पोलैरिटी क्या होनी चाहिए थी, जाइगोट की पोलैरिटी क्या होनी चाहिए थी, 2n, और पोलैरिटी इसकी 2n है भी। तो एक एक न्यूसेलर सेल जो कि 2n थी एम्ब्रायो सैक के अंदर एंटर करी, एक सेल की तरह एक्ट करने लगी जो कि डिप्लॉयड है, और ये एक डिप्लॉयड एग सेल डेवलप हो गई किसमें, जाइगोट में। अब इस जाइगोट में रैपिड माइटोटिक डिविजन्स होंगे और क्या बनाएगा, एम्ब्रायो, क्या बनाएगा, एम्ब्रायो। फिर इसको आखिरी बार मैं रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। हमने बताया आपको कि ये मास ऑफ न्यूसेलर सेल्स है जिसको हम न्यूसेलस बोल रहे हैं, जिसमें से हर एक सेल डिप्लॉयड इन नेचर है, इसकी पोलैरिटी डिप्लॉयड है, कोई एक न्यूसेलर सेल डिप्लॉयड है जो वो एंटर कर गई, प्रोट्यूट कर गई इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट, और ये एक्ट करने लगी किसकी तरह, एग सेल की तरह। अब ये एग सेल जो है ये जाइगोट बना लिया, और ये जो जाइगोट है ये क्या बना लिया, एम्ब्रियो। तो एक डिप्लॉयड न्यूसेलर सेल अंदर आया, उसको एग सेल बोला हमने, एग सेल जाइगोट बनाई और जाइगोट क्या बना ली, एम्ब्रियो बना ली, जाइगोट क्या बना लिया, एम्ब्रियो बना लिया। अब यूजुअली क्या होता है, एक ओव्यूल के अंदर देखिए ओवरी में जो ओवरियन कैविटी या लॉक्यूल है उसमें एक या बहुत सारे ओव्यूल हो सकते हैं, लेकिन एक ओव्यूल में हमेशा एक ही मेगा स्पोर फंक्शनल होगा जो कि फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ओवरी में चाहे जितने मर्जी ओव्यूल्स हों लेकिन एक ओव्यूल में हमेशा एक ही फीमेल गैमेटोफाइट या एक ही एम्ब्रायो सैक होगा, और एक एम्ब्रियो सैक में सिर्फ एक ही फीमेल गैमेट या एग सेल होती है। जब मेल गैमेट्स आते हैं दो, तो एक मेल गैमेट तो पोलार न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करके एंडोस्पर्म बना लेता है, दूसरा मेल गैमेट एक सिंगल एग सेल के साथ फ्यूज करके एक जाइगोट बनाता है, जिससे रैपिड माइटोटिक डिविजन्स के थ्रू सिर्फ एक एम्ब्रियो बन पाता है। ये बात समझ आ रही है आपको कि एक ओव्यूल के अंदर हमेशा एक एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट होगा, एक फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर हमेशा एक एग सेल होगी माइक्रोपाइल एंड पे, और एक मेल गैमेट के साथ फ्यूज करके हमेशा एक ही जाइगोट बनेगा एक ओव्यूल के अंदर, और वो जाइगोट एक ही एम्ब्रियो बनाएगा किसी भी टाइम पे थ्रू द रैपिड रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स। लेकिन यहां पे न्यूसेलर सेल आ रही है, एक न्यूसेलर सेल आएगी तो एक एग सेल बनेगी, एक जाइगोट बनेगा, एक एम्ब्रियो बनेगा। मान लो यहां पे 10 न्यूसेलर सेल्स अंदर आ गई, तो 10 एग सेल्स बन जाएंगी, 10 जाइगोट्स बन जाएंगे, 10 एम्ब्रायोस बन जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक न्यूसेलर सेल अंदर गई होती, एक न्यूसेलर सेल अंदर गई होती तो एक एग सेल, एक जाइगोट और एक एम्ब्रियो बनता,
दो गए होते तो दो एक सेल, दो जाइगोट, दो एम्ब्रियो बनता, पांच गए होते तो पांच 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 बनता, दस न्यूक्लियर सेल प्रोड्यूस करेंगे इनसाइड द एम्ब्रियो सेल तो दस एक सेल बनेंगी, दस जाइगोट्स बनेंगे, दस एम्ब्रियो बनेंगे, तो दस न्यूक्लियर सेल से दस एक सेल, दस जाइगोट्स, दस एम्ब्रियो। तो अब ये कंडीशन आ गई कि एक ओव्यूल में एक से ज्यादा एग शेल, एक से ज्यादा जाइगोट्स, एक से ज्यादा एम्ब्रियोज होते क्या थे पहले। इन जनरल एक ओव्यूल के अंदर एक फीमेल गैमेटोफाइट, उसके अंदर एक एग शेल, वो एक मेल गैमेट से फ्यूज करके एक जाइगोट बनाता था और एक जाइगोट एक एम्ब्रियो बनाता था। लेकिन अगर यहाँ पे 100 न्यूक्लियर सेल्स आ गए फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर तो 100 एग सेल्स की तरह एक्ट करेंगे, वो 100 एग सेल्स 100 जाइगोट्स बनाएंगी और 100 जाइगोट्स 100 एम्ब्रियोज बनाएंगे। मतलब कि अब की बार इस ओव्यूल के अंदर एक से बहुत ज्यादा क्या है, एम्ब्रियोज हैं। तो मोर देन टू को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली। कई सारे होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली। और कई सारे हैं क्या, एम्ब्रियो। तो इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोल देंगे, पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली मतलब मैनी, कई सारे, मोर देन टू, और एम्ब्रियो का मतलब, एम्ब्रियोनी का मतलब एम्ब्रियो। तो प्रेजेंस ऑफ मैनी एम्ब्रियोज इनसाइड अ सिंगल ओव्यूल डिफाइंड एज पॉली एम्ब्रियोनी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉली एम्ब्रियोनी। समझ आ गया ये कि एक ओव्यूल के अंदर बहुत सारे अगर एम्ब्रियो होंगे, कई सारे एम्ब्रियोज होंगे, तो हम लोग मल्टीपल के लिए पॉली टर्म यूज करते हैं और एम्ब्रियो के लिए यहाँ पे एम्ब्रियोनी बोल रहे हैं। तो अगर एक ओव्यूल के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियोज होंगे तो हम कंडीशन को बोलेंगे पॉली एम्ब्रियोनी। कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉली एम्ब्रियोनी बोलेंगे। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब हम बात करते हैं इस एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी का क्या एडवांटेज है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको। तो समझ लीजिए कि जो फार्मर्स होते हैं, प्लांट ब्रीडर्स होते हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो कि प्लांट साइंस फील्ड में काम कर रहे हैं, वो बहुत मेहनत करके, बहुत खर्च करके एक हाइब्रिड सीड या प्लांट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, जिसमें कि दो सुपीरियर कैरेक्टर्स वाले पेरेंट्स पहले सेलेक्ट करते हैं, फिर उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स परफॉर्म करते हैं। मैंने आपको एडवांटेज बताना स्टार्ट किया है, मैं आपको एडवांटेज बता रहा हूँ एपोमिक्सिस का। मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, फार्मर्स होते हैं, वो बहुत मेहनत करके, बहुत पैसे खर्च करके कुछ ऐसे सीड्स या प्लांट्स बनाते हैं जिनको हम लोग हाइब्रिड सीड या हाइब्रिड प्लांट्स बोलते हैं। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस का यूज करते हैं, जैसे कि मैनिपुलेट करते हैं पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन को, फिर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक की हेल्प से दो सुपीरियर कैरेक्टर्स वाले पेरेंट्स यूज करते हैं, फिर उसमें ई मैस्कुलेशन और बैगिंग के थ्रू क्रॉस कंट्रोल्ड डिजायर्ड पॉलिनेशन कराते हैं, फाइनली एक ऐसा सीड या प्लांट बनाते हैं जो ऑल ओवर अपने दोनों पेरेंट्स से क्या होता है, सुपीरियर होता है, जिसकी प्रोडक्टिविटी ऑल ओवर क्या होती है, हाई होती है। ऐसे प्लांट्स या सीड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड सीड्स, जिनकी प्रोडक्टिविटी, जिनकी सुपीरियरिटी अपने पेरेंट्स से हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। समझ लीजिए कि उसी एक हाइब्रिड प्लांट के एक सेल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और अगर प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, तो ईच एंड एवरी सेल्स कैसी होंगी, डिप्लॉयड होंगी, कैसी होंगी, डिप्लॉयड होंगी, 2n होंगी, डिप्लॉयड होंगी। और मैं इस सेल को बोल रहा हूं मदर सेल। तो हमने आपको बताया होगा कभी ना कभी, यहां पे फिर एक बार बता रहा हूं, कहीं पे भी अगर मदर सेल टर्म लिखा है, मदर लिखा है या मियोसाइट्स लिखा है, तो तुरंत आपको यह सोच लेना है कि इसमें होगी मियोसिस, इसमें होगा रिडक्शनल डिवीजन, और ये हमेशा कैसी होगी, डिप्लॉयड होगी। कैसी होगी, डिप्लॉयड होगी, पोलॉयडी इसकी क्या होगी, 2n होगी। यानी कि जितने भी क्रोमोसोम्स होंगे ये अरेंज्ड होंगे पेयर्स में। मैं हाइपोथेटिकली यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं, 2n की वैल्यू 2, यानी कि इसमें दो क्रोमोसोम्स हैं,
एक क्रोमोसोम सपोज ये है और एक क्रोमोसोम मान लीजिए ये है। दो अलग अलग कलर से हमने आपको बताया ताकि ये कन्वीनियंट रहे आपको समझने के लिए। अब हमने कहा कि ये मदर सेल है, मदर सेल हमेशा डिप्लॉयड होगी और इसमें हमेशा मियोसिस होगी। तो जब इसमें सेल डिवीजन होगा, ये सेल जब एंटर करेगी सेल साइकिल के एस फेज में, तो इसमें डीएनए डुप्लीकेट होगा। क्या डुप्लीकेट होगा? डीएनए डुप्लीकेट होगा। ये सारी सेल बायोलॉजी वाली चीजें हैं, मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं, आप बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ समझेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा आपको। मैंने आपको बताया कि एक मदर सेल है हाइब्रिड प्लांट का, जो किसी ने बनाया है इसको बहुत पैसे खर्च करके, बहुत मेहनत करके। इसकी प्रोडक्टिविटी क्या है? बहुत ज्यादा है। इसमें कोई एक बहुत बेहतरीन डिजायर्ड करेक्टर है, बहुत बेहतरीन सुपीरियर करेक्टर है जिसको हम लोग चाहते हैं कि वो हमेशा प्रेजेंट रहे। उसी का हमने एक सेल लिया है जो कि कैसा है? डिप्लॉयड है। इस सेल को हम मदर सेल बोल रहे हैं। मदर सेल का मतलब इसमें क्या होगी? मियोसिस होगी। जैसे ही सेल सेल साइकिल में एंटर करेगी एस फेज में, डीएनए क्या हो जाएगा? डुप्लीकेट हो जाएगा, यानी ये डबल हो जाएगा। सेल को हम सब मेटाफेज में देखेंगे। सेल को जब हम मेटाफेज में देखेंगे तो इस सेल के अंदर ये जो दो क्रोमोसोम्स हैं जिसमें सिंगल क्रोमेटिड्स दिखाई दे रही हैं, डीएनए यहां पे एक से दो जब हो जाएगा तो हर एक क्रोमोसोम में जो क्रोमेटिड्स हैं इनका नंबर भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। एक ये और एक ये क्रोमेटिड हो गई, और दोनों क्रोमेटिड्स आपस में सेंट्रोमियर की हेल्प से जुड़ी हुई होगी। तो ये रेड वाले कलर के क्रोमोसोम को अगर हम देख रहे हैं तो एक डीएनए था तो एक क्रोमेटिड, दो डीएनए हो गए तो दो क्रोमेटिड्स हो गई, दोनों क्रोमेटिड सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई हैं। सिमिलरली इस क्रोमोसोम के साथ भी वही होगा, एक क्रोमेटिड और ये डुप्लीकेटेड क्रोमेटिड सेंट्रोमियर की हेल्प से ये जुड़ी हुई है। फिर उसके बाद जब ये सेल प्रोफेज में एंटर करेगी, प्रोफेज में एंटर करेगी, आपको पता है कि मियोसिस जो है ये दो राउंड साइकिल में कंप्लीट होती है, दो फेजेस में कंप्लीट होती है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में जब ये एंटर करेगी तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सब फेज है जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोटीन। तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की क्या होती है? आपस में पेयरिंग होती है। होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में पेयर्ड होने लगते हैं, यानी कि दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है, और पेयरिंग को हम लोग बोलते हैं साइनेप्सिस, और जो पेयर्स बनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। मान लीजिए 46 क्रोमोसोम हैं तो 23 पेयर्स बनेंगे, यानी 23 साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। यहाँ पे हमने दो क्रोमोसोम सिर्फ लिया है तो यहाँ पे एक पेयर बनेगा और इसके बीच में यहाँ पे होगी साइनेप्सिस, और ये जो कॉम्प्लेक्स बना है या पेयर बना है इसको हम लोग बोलेंगे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और अपोजिट पोल पे दो सेंट्रोमियर्स होंगे, और ये दोनों ही क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल पे सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर की हेल्प से जुड़ जाएंगे, और इस तरीके से जितने पेयर्स होंगे वो सब अलाइन हो जाएंगे एक प्लेट पे, उसको हम लोग बोलेंगे मेटाफेज प्लेट। एनाफेज में ये जो सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर है ये क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल की तरफ खींचना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से ये जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है ये ब्रेक हो जाएगा। तो दो क्रोमोसोम्स थे, दो अपोजिट पोल पे जुड़े हैं एक धागे से, एनाफेज पे दोनों तरफ के अपोजिट पोल के धागे इनको अलग अलग पोल पे, दोनों अपोजिट पोल्स पे खींच रहे हैं, तो ये पेयर क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। और अगर ये दोनों क्रोमोसोम्स होमोलॉगस क्रोमोसोम हैं तो जब इनका सेपरेशन होगा तो सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को हम लोग बोलते हैं सेग्रीगेशन। सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेग्रीगेशन। इसको बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स में। तो एनाफेज में जब सेल गई तो दोनों क्रोमोसोम्स जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स थे, जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था, वो सेपरेट होने लगा। दो होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के सेपरेशन को हम बोल रहे हैं सेग्रीगेशन। इसको हम लोग बोल रहे हैं सेग्रीगेशन। अब ये दोनों क्रोमोसोम्स में एक क्रोमोसोम को खींच ले जाएगा एक पोल पे ये धागा, और एक धागा इसको एक दूसरे पोल पे खींच लेके चला जाएगा। और फिर उसके बाद जब टेलोफेज में एंटर करेगी सेल तो यहाँ पे न्यूक्लियस का क्या हो जाएगा? डिवीजन हो जाएगा, यानी कि कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगी। जस्ट आफ्टर द कैरियोकाइनेसिस यहाँ पे इमीडिएटली क्या हो जाएगा? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस, यानी कि ये पूरी की पूरी जो सेल है ये डिवाइड कर जाएगी। एक सेल से कितनी सेल्स बन जाएंगी? दो सेल्स बन जाएंगी।
एक सेल से कितने सेल्स बन जाएंगी, दो सेल्स। एक सपोज ये सेल है और ये एक दूसरी डॉटर सेल बन रही है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट जैसे ही कंप्लीट होगी दो डॉटर सेल्स बनेंगी जिसको हम लोग डायाड बोलते हैं। एक क्रोमोसोम एक सेल में चला जाएगा, आप इसको देखिए यहां से ये अलग हो जा रही है सेल, तो एक क्रोमोसोम एक सेल में, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे सेल में चला जाएगा। तो सपोज ये रेड वाला क्रोमोसोम इसमें चला गया, ये रेड वाला क्रोमोसोम इसमें चला गया, और ये जो ब्लैक वाला क्रोमोसोम है ये इसमें चलाया। इस तरीके से दो क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। फिर आपको पता है कि यहां पे दो सेल, एक सेल में दो क्रोमोसोम्स, यहां पे एक सेल में दो क्रोमोसोम्स, यहां पे भी एक सेल में दो क्रोमोसोम, यहां पे एक क्रोमोसोम और यहां पे भी एक क्रोमोसोम, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम हाफ, आधे हो गए, रिड्यूस हो गए। इसीलिए हम इस डिवीजन को क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन या रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। यानी कि एक सेल थी डिप्लॉयड, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करी, दो डॉटर सेल्स बनी जिनको हमने डायाड बोला, और दोनों डॉटर सेल्स में आधे आधे क्रोमोसोम्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए। जैसे दो क्रोमोसोम्स थे, एक रेड और एक ब्लैक, एक रेड और एक ब्लैक, तो रेड एक में चला गया, ब्लैक एक में चला गया, एक एक क्रोमोसोम एक एक डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इतनी बात आपको समझ आई। अब अभी मियोसिस कंप्लीट नहीं हुई है, अभी सिर्फ मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद होगा मियोसिस सेकंड, और मियोसिस सेकंड होता है जस्ट लाइक इक्वेशनल डिवीजन, जस्ट लाइक माइटोसिस। इसमें भी चार फेजेस होंगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। जैसे हमने प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट के थ्रू दो डायाड्स बनाए हमने, दो सेल्स बनाए, इसी तरीके से हम मियोसिस सेकंड में प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड के थ्रू दो और सेल्स बनाएंगे एक एक सेल से। यानी कि अब की बार हम देखेंगे तो ये जितने भी क्रोमेटिड्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे दो दो क्रोमेटिड्स पेयर में अरेंज थे, जैसे अगर हम 46 क्रोमोसोम की बात करें तो 23 पेयर इस तरीके से एक लाइन में अरेंज होगा मेटाफेज फर्स्ट पे, जबकि अगर हम मेटाफेज सेकंड में देखेंगे सेल को तो 23 सिंगल क्रोमोसोम्स अरेंज होंगे हैविंग टू क्रोमेटिड्स, जैसे कि ये एक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से 23 क्रोमेटिड्स एक लाइन में अरेंज होंगे, और हर एक क्रोमेटिड जो है वो अपोजिट पोल्स पे सेंट्रोमियर की हेल्प से स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू जुड़ी हुई होंगी। सिमिलरली यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, दो अपोजिट पोल्स पे सेंट्रोमियर होंगे, स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये क्रोमेटिड्स क्या हुआ होगा, दोनों तरफ का एक क्रोमोसोम का जुड़ा होगा। फिर जब एनाफेज टू आएगी, एनाफेज टू में जैसे एनाफेज फर्स्ट में ये दोनों धागे स्पिंडल फाइबर्स इनको अपोजिट पोल्स की तरफ खींचते हैं, जैसे कि अगर अब की बार हम इन दोनों को क्रोमोसोम ना मान करके एक क्रोमोसोम मानो, ये एक क्रोमेटिड, ये एक क्रोमेटिड, दो क्रोमेटिड्स आपस में सेंट्रोमियर की हेल्प से जुड़े हैं, हम कभी भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को काउंट करते हैं उनके सेंट्रोमियर्स को काउंट करके, कभी भी आर्म्स या कभी भी क्रोमेटिड्स को काउंट करके हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं काउंट करते हैं, उतने क्रोमोसोम्स होंगे जितने सेंट्रोमियर्स हैं, हमेशा जितने सेंट्रोमियर उतने क्रोमोसोम। तो यहाँ पे 1 2 1 2 दो सेंट्रोमियर हैं, 1 2 यानी कि एक सेंट्रोमियर ये, एक सेंट्रोमियर ये, तो दो सेंट्रोमियर मतलब दो क्रोमोसोम। ये नहीं देखेंगे इसमें क्रोमेटिड्स कितनी हैं, यहाँ पे आप देखिए एक सेंट्रोमियर, एक सेंट्रोमियर, तो अभी भी दो क्रोमोसोम है, यहाँ पे देखिए एक सेंट्रोमियर है लेकिन ये एक क्रोमोसोम है, तो हमेशा जितने सेंट्रोमियर उतने क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वल टू नंबर ऑफ सेंट्रोमियर्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। समझ आया? तो एनाफेज में अपोजिट पोल की तरफ इनको खींचेंगे, सपोज ये दो क्रोमेटिड्स आपस में एक सेंट्रोमियर की हेल्प से जुड़ी हुई हैं, तो ये एक क्रोमोसोम होगा, और ये सेंट्रोमियर से जुड़े हैं और दोनों क्रोमेटिड्स में जो जो काइनेटोकोर्स लगे हुए होंगे अपोजिट साइड में, उनके थ्रू स्पिंडल फाइबर इनको अपोजिट पोल्स के से जोड़े रखा है सेंट्रोमियर की सेंट्रियोल की हेल्प से। तो जब एनाफेज सेकंड पे स्पिंडल फाइबर इनको अपोजिट पोल की तरफ खींचेंगे तो ये दोनों क्रोमेटिड्स सेंट्रोमियर की हेल्प से जुड़ी हुई हैं, वो स्प्लिट हो जाएंगी और दोनों क्रोमेटिड्स क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी, दोनों क्रोमेटिड्स क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। जबकि एनाफेज
एनाफेज फर्स्ट में होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट हुए थे, जिसको हमने बोला था सेग्रीगेशन। वहां पे सेंट्रोमियर नहीं स्प्लिट हुए थे, क्योंकि दो अलग अलग क्रोमोसोम से धागे जुड़े हुए थे, यहाँ पे एक क्रोमोसोम से ही धागे जुड़े हैं। तो यहाँ पे जब अपोजिट पोल की तरफ खींचेंगे तो सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएंगे, जिससे दोनों क्रोमेटिड्स एक ही क्रोमोसोम के क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये क्रोमेटिड क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा, क्रोमेटिड क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। फिर ये क्रोमेटिड इस पोल पे, ये क्रोमेटिड इस पोल पे पहुंच जाएगी, ये क्रोमेटिड इस पोल पे, ये क्रोमेटिड इस पोल पे पहुंच जाएगी। यानी कि टेलोफेज के एंड पे देखेंगे तो न्यूक्लियस एक बार दोबारा से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। टेलोफेज सेकंड पे देखेंगे तो न्यूक्लियस एक बार दोबारा से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगी और उसके तुरंत बाद यहाँ पे दोबारा से क्या हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। तो एक सेल से अब की बार फिर कितनी बन गई, दो सेल्स। एक सेल से कितनी सेल्स बन गई, दो सेल्स, दो डॉटर सेल्स इससे। तो एक ये है और एक ये है। इसी तरीके से इसमें हम देखेंगे तो यहां से ये सेपरेट हो रही है, तो एक सेल ये, एक सेल ये, दो सेल्स बन जाएंगी। एक ये डॉटर सेल, एक ये डॉटर सेल बन जाएगी। अब की बार सेंट्रोमियर्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखिएगा। ये एक रेड यहां से सेल अलग हुई, ये एक रेड क्रोमेटिड एक सेल में, ये एक रेड क्रोमेटिड एक सेल में चली जाएगी, और ये एक रेड क्रोमेटिड जो है ये दूसरी सेल में चली जाएगी। जैसे कि ये वाली रेड क्रोमेटिड इस क्रोमोसोम में चली जाएगी, सेल में चली जाएगी, और ये वाला क्रोमोसोम इस सेल में चला जाएगा। अब की बार हम इन क्रोमेटिड्स को इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स बोलने लगेंगे। इसी तरीके से अगर हम यहां देखेंगे तो ये जो ब्लैक वाला क्रोमोसोम है, इसमें से एक क्रोमेटिड इस सेल में, दूसरी क्रोमेटिड इस सेल में चला जाएगा। एक क्रोमेटिड ये, जिसको हम अब क्रोमोसोम बोलने लगे हैं, एक क्रोमोसोम इस सेल में चला है। तो अब आपको दिख रहा होगा कि एक सेल से दो सेल, एक सेल से दो सेल बनी, और ये एक सेल से दो सेल, एक सेल से दो सेल। तो एक सेल में मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुई तो दो डॉटर सेल्स बनी, फिर मियोसिस सेकंड में इस सेल से दो डॉटर सेल्स, इस सेल से दो डॉटर सेल्स। तो यहां पे डायाड और यहां पे टेट्राड बन जाएगा। तो जब एक मियोसिस कंप्लीट होगी, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड जब कंप्लीट हो जाएगी तो चार सेल्स बन जाएंगी। और आप अगर देख पाए तो यहाँ पे दो क्रोमोसोम, क्योंकि एक दो सेंट्रोमियर, यहाँ पे दो क्रोमोसोम, एक दो सेंट्रोमियर, यहाँ पे एक सेंट्रोमियर मतलब एक क्रोमोसोम, यहाँ पे एक सेंट्रोमियर मतलब एक क्रोमोसोम। मतलब कि ये कैसा हो गया, हैप्लॉयड, ये भी कैसी हो गई, हैप्लॉयड। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक सेंट्रोमियर मतलब एक क्रोमोसोम, और 2n मतलब दो था, तो एक का मतलब n हो जाएगा। अरे भाई, यहाँ पे 2n मतलब 2, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/2 मतलब 1। तो ये 1 क्रोमोसोम है, मतलब ये क्या है, हैप्लॉयड। यहाँ पे 1 क्रोमोसोम है, मतलब ये क्या है, हैप्लॉयड। ये भी कैसी है, हैप्लॉयड। ये भी कैसी है, हैप्लॉयड। तो जब मियोसिस कंप्लीट होती है किसी भी मदर सेल में, किसी भी मियोसाइट में, किसी भी डिप्लॉयड सेल में जब मियोसिस कंप्लीट हो जाती है, तो एक मदर सेल से चार डॉटर सेल्स बनती हैं, हैविंग हाफ क्रोमोसोम्स, आधे क्रोमोसोम्स रह जाते हैं इन कंपैरिजन टू देयर पेरेंट। इनकी पेरेंटल सेल्स में अगर 10 क्रोमोसोम हैं, तो जो चार डॉटर सेल्स बनेंगी मियोसिस से, उनमें 5-5 क्रोमोसोम्स होंगे। अगर दो क्रोमोसोम्स हैं तो 1-1 क्रोमोसोम्स होंगे। अगर 46 हैं तो 23-23 होंगे, यानी 2n है तो n रह जाएगा, मतलब आधे हो जाएंगे। और ये जो हैप्लॉयड सेल्स हैं, इन्हीं हैप्लॉयड सेल्स को हम लोग बोलते हैं गैमेट्स। इन्हीं हैप्लॉयड सेल्स को हम लोग बोलते हैं गैमेट्स। इन्हीं हैप्लॉयड सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेट्स। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड। अगर ये हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के हैं तो माइटोसिस से बनेंगे, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के हैं तो हमेशा मियोसिस से बनेंगे, यानी ये हमेशा कैसे होंगे, हैप्लॉयड होंगे। उससे ज्यादा जरूरी ये समझना है कि ये जो मियोसिस के, मियोसिस में ये जो सेल जा रही थी मदर सेल, ये कौन से प्लांट की मदर सेल थी, हाइब्रिड प्लांट की मदर सेल थी, हाइब्रिड प्लांट। और ये जो हाइब्रिड प्लांट था, इसको हमने बहुत मेहनत से बनाया था, और ये प्लांट कैसा था, सुपीरियर था, सुपीरियर था अपने दोनों पेरेंट्स से। यानी कि इस प्लांट की प्रोडक्टिविटी क्या थी, प्रोडक्टिविटी क्या थी, बहुत हाई थी। प्रोडक्टिविटी क्या थी, बहुत हाई थी। इस चीज को ध्यान से समझिए। तो हमने ये आपको बताया था कि हम शुरू क्या किए थे, कि एडवांटेज क्या है एपोमिक्सिस का। मैंने आपको बताया कि जो फार्मर्स या प्लांट ब्रीडर्स होते हैं, वो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से दो सुपीरियर पेरेंट के करेक्टर्स इंटरमेंगल्ड कर देते हैं, एक
यूनिट में या फिर कह सकते हैं एक स्ट्रक्चर या प्रोडक्ट में, और उस स्ट्रक्चर को हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगर सीड है तो हाइब्रिड सीड, और उससे अगर प्लांट बनाया गया है तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड प्लांट। तो ये हाइब्रिड सीड या हाइब्रिड प्लांट जो बन रहा है इससे, ये अपने दोनों पेरेंट्स से सुपीरियर है ऑल ओवर, यानी कि इसकी प्रोडक्टिविटी अपने दोनों पेरेंट्स से क्या है, ज्यादा है। तो सपोज कि वो हाइब्रिड प्लांट जिसको बहुत मेहनत से बहुत खर्च करके पैसे बनाया गया, और ये हाइब्रिड प्लांट है जो पहली जनरेशन में खूब ढेर सारी प्रोडक्टिविटी दिया, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। मैंने ये कहा कि मान लो कोई फार्मर है, कोई किसान है, मार्केट से खरीद के लाया हाइब्रिड सीड राइस के, मान लीजिए हाइब्रिड सीड खरीद के लाया पैडी फील्ड के, तो ये जो राइस का है हाइब्रिड सीड लेके आया, बहुत महंगा मिलेगा, हो सकता है 500 या 2000 रुपए का सिर्फ एक केजी मिले, बिकता है ये 10 रुपए किलो। ध्यान से समझिएगा इसको, किसान ने एक किलो धान खरीद के लाया 500 रुपए या 1000 या 2000 रुपए किलो, वो बेचारा बेचेगा कितने में, 10 रुपए किलो में। उसका कारण समझिए, जो सीड उसने मार्केट से खरीद के लाया वो ये वाला सीड था, हाइब्रिड सीड, जिसमें दो पेरेंट के करेक्टर, मान लीजिए ये जो ब्लैक वाला करेक्टर है, ब्लैक वाला जो क्रोमोसोम है ये मदर से आ रहा है, मैटरनल क्रोमोसोम है, ये मान लीजिए फादर से आ रहा है, ये फादर का क्रोमोसोम है, मान लीजिए कि ये मेल प्लांट का है रेड वाला, और ब्लैक वाला फीमेल प्लांट का है। तो मेल प्लांट से हमने पॉलन ग्रेन अपने डिजायर के बेसिस पे आर्टिफिशियली डिपॉजिट कराया था एक फीमेल के स्टिग्मा पे, इसको हमने कंट्रोल्ड डिजायर्ड क्रॉस पॉलिनेशन बोला था, और फिर इसको हमने बैग्ड कर दिया था फीमेल फ्लावर को, उसके पहले इसमें इमैस्कुलेशन कर दिया था। इमैस्कुलेशन इसलिए कर दिया था कि इसी के पॉलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पे ना जा पाए, फिर हमने बैगिंग कर दी कि इसको कंटामिनेट ना कर पाए कोई अनडिजायरेबल पॉलन, फिर हमने बैगिंग को हटाया, डी बैगिंग किया, फिर दूसरे डिजायरेबल सोर्स से किसी मेल पेरेंट से जिसमें कोई पर्टिकुलर सुपीरियर करेक्टर था, मैंने आपको बताया था डिजीज रेजिस्टेंट था अगर याद आ रहा हो आपको, तो वहां पे पॉलन लाके हमने डिपॉजिट किया, फिर उसके बाद इसको रीबैग कर दिया, फिर अलाउ कर दिया सीड प्रोडक्शन के लिए या फ्रूट प्रोडक्शन के लिए। जो सीड बना वो हाइब्रिड सीड बना, उससे जो प्लांट बना वो हाइब्रिड प्लांट बना, और ये हाइब्रिड प्लांट जो है इसकी प्रोडक्टिविटी क्या थी, बहुत ज़्यादा थी। यानी कि ये हाइब्रिड प्लांट जो था इसमें दो सुपीरियर करेक्टर्स आपस में क्या थे, इंटरमिंगल्ड थे, जो दो अलग अलग सुपीरियर पेरेंट्स के थे, जो अलग अलग सुपीरियर पेरेंट्स के थे। यानी जो ये सेल है वो हाइब्रिड प्लांट का सेल है जिसकी प्रोडक्टिविटी क्या थी, ज़्यादा थी। तो जब ये प्लांट बना तो ये भी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सबसे खास या सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन है, दो मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन, उसके पहले गैमेट्स बनेंगे, गैमेट बनने की प्रोसेस को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो मेरे पास एक हाइब्रिड प्लांट है जिसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, उसको हमने क्या किया, अलाउ किया ग्रोथ के लिए, जब मैच्योर हुआ तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, यानी कि वो गैमेटोजेनेसिस करना स्टार्ट किया। सपोज वो इस तरीके से गैमेटोजेनेसिस कर रहा है, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस जब भी होगी डिप्लॉयड सेल में तो वहां पे क्या होगी, मियोसिस होगी, वहां पे क्या होगी, मियोसिस होगी, और मियोसिस इतनी सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस है, इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो रही है मियोसिस को। तो सपोज करिए कि जो डिजायर्ड करेक्टर था, ये जो सेल है ये हाइब्रिड प्लांट का सेल है जिसकी ऑल ओवर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी, तो इस सेल के हर, यानी कि इस हाइब्रिड प्लांट के हर सेल में उस डिजायर्ड करेक्टर की जीन्स होंगी। सपोज कि इस रेड कलर वाले क्रोमोसोम पे उस डिजायर्ड करेक्टर की जीन है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि रेड वाला क्रोमोसोम आ रहा है मेल पेरेंट से, और मेल पेरेंट मान लीजिए कि इसकी डिजीज रेजिस्टिविटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, कोई भी पैथोजन बड़ी आसानी से इन्फेक्शन नहीं कर सकता है, और इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा तो इसको डैमेज भी नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, जो भी है वो बरकरार है, बची रह जा रही है, उस पर रिडक्शन नहीं हो रहा है। तो अगर ये डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट है तो इस डिजीज रेजिस्टिविटी को हम एक करेक्टर बोलेंगे, और इस करेक्टर की कोई ना कोई जीन होगी इस प्लांट के अंदर, और वो जीन इस प्लांट के हर सेल में होगी, और जीन्स हमेशा प्रेजेंट होती हैं क्रोमोसोम में, ये हम लोग पढ़ लेंगे जेनेटिक्स में बहुत अच्छी तरीके से, वहाँ पे समझ लेंगे। ये अभी समझिए कि जो जीन्स हैं वो एक जीन एक करेक्टर को कंट्रोल करती है, और यहाँ पे हमने करेक्टर लिया है डिजीज रेजिस्टिविटी, तो डिजीज रेजिस्टेंस जो है ये एक करेक्टर है, इसको कंट्रोल करेगी एक जीन, यूजुअली एक करेक्टर को एक जीन कंट्रोल करती है, और जीन्स बैठी होती हैं क्रोमोसोम्स पे। तो मान लीजिए ये ब्लैक कलर वाला डॉट जो मैंने बनाया है, ये डिजीज रेजिस्टिविटी करेक्टर को कंट्रोल करने वाली जीन है, और ये जीन बैठी है इस रेड कलर वाले क्रोमोसोम पे। तो अगर
हम किसी गाड़ी पे बैठे हैं तो वो गाड़ी जहां जाएगी वहीं मैं भी जाऊंगा। तो मुझे मान लीजिए जीन और गाड़ी को मान लीजिए क्रोमोसोम, तो जीन वहीं जाएगी जहां क्रोमोसोम जाएगा, या कह लीजिए कि जहां जहां क्रोमोसोम जाएगा वहीं वहीं क्या जाएगी, जीन। तो मान लीजिए वो सुपीरियर डिजायर्ड कैरेक्टर वाली जीन इस रेड कलर वाले क्रोमोसोम पे है, तो वही जीन आपको यहां दिखाई देगी इस रेड कलर वाले क्रोमोसोम पे सेम लोकेशन में, और वही जीन आपको यहां दिखाई देगी जहां जहां ये रेड कलर वाला क्रोमोसोम जा रहा है, जहां जहां ये रेड कलर वाला क्रोमोसोम जा रहा है वहीं वहीं ये जीन जाएगी, वहीं वहीं ये जीन जाएगी। यानी जो सुपीरियर करेक्टर हमने इतनी मेहनत करके ईमैस्कुलेशन, बैगिंग, डी बैगिंग, री बैगिंग, इतना मेहनत करके, इतना खर्च करके जो सुपीरियर करेक्टर हमने इस सेल में या इस प्लांट में डाला था, वो इस रेड कलर वाले क्रोमोसोम पे बैठी हुई है। तो जहां जहां रेड वाला क्रोमोसोम जाएगा वहीं वहीं ये डिजायर्ड करेक्टर को कंट्रोल करने वाली जीन चली जाएगी। यानी ये जो दो गैमिट्स बनेंगे, इन गैमिट्स में उस सुपीरियर करेक्टर को कंट्रोल करने वाली जीन नहीं होगी। समझिए इसको ध्यान से, क्योंकि सुपीरियर करेक्टर को कंट्रोल कर रही है ये ब्लैक कलर वाली जीन, और ब्लैक कलर वाली जीन प्रेजेंट है रेड कलर वाले क्रोमोसोम पे, तो रेड कलर वाला जहां पे जाएगा क्रोमोसोम वहीं वहीं जीन भी जाएगी, जहां जाएगा क्रोमोसोम वहीं जाएगी जीन, क्योंकि जीन बैठी है क्रोमोसोम पे। और जीन जो हमारी है, जो हमारे डिजायर्ड या सुपीरियर करेक्टर को कंट्रोल करने वाली है, वो रेड कलर पे बैठी है, तो रेड कलर वाला क्रोमोसोम जहां गया जीन को लेके गया अपने साथ। तो ये ब्लैक कलर वाले क्रोमोसोम्स जिन सेल्स में या जिन गैमिट्स में गए, उन गैमिट्स में वो डिजायर्ड करेक्टर वाली जीन तो जाएगी नहीं। और अब गैमिटोजेनेसिस हो गई, गैमिटोजेनेसिस के थ्रू ये चार गैमिट्स बने, दो गैमिट्स में डिजायर्ड करेक्टर को कंट्रोल करने वाली, सुपीरियर करेक्टर को कंट्रोल करने वाली जीन है। दो गैमिट्स में जीन ही नहीं है जो हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया था विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। तो अब गैमिट्स बन गए, इसी तरीके से अगर ये फीमेल के गैमिट्स हैं, एक सेल्स हैं, तो इसी तरीके से मेल के गैमिट्स बनेंगे। जब गैमिट बन जाएंगे तो गैमिट ट्रांसफर होगा, पॉलिनेशन होगा, फिर मेल एंड फीमेल गैमिट्स आपस में फ्यूज करेंगे, प्रोसेस को बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा। और फर्टिलाइजेशन एक रैंडम प्रोसेस है, जिसमें किसी भी गैमिट के साथ फ्यूज करने की हाफ एंड इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है, 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है कि कोई भी गैमिट किसी गैमिट के साथ फ्यूज कर सकता है। जैसे चार गैमिट हैं मेल के, चार गैमिट है फीमेल के, तो मेल के चारों गैमिट फीमेल के किसी भी गैमिट के साथ फ्यूज करने की इक्वल प्रोबेबिलिटी रखते हैं, मेल का कोई भी गैमिट फीमेल के किसी भी गैमिट के साथ फ्यूज करने की इक्वल प्रोबेबिलिटी रखता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि फर्टिलाइजेशन एक अनसर्टेन प्रोसेस है, एक रैंडम प्रोसेस है, जिसमें मेल का कोई भी गैमिट फीमेल के किसी भी गैमिट के साथ, या फीमेल का कोई भी गैमिट मेल के किसी भी गैमिट के साथ फ्यूज कर सकता है, और किसी भी गैमिट की किसी भी गैमिट के साथ फ्यूज करने की इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है, बराबर संभावना होती है कि कोई भी गैमिट किसी भी गैमिट के साथ फ्यूज कर सकता है। सपोज करिए कि इसी तरीके से हमने एक पेरेंट का आपको गैमिट बना के बताया है, सपोज यहाँ पे नीचे दूसरे पेरेंट का गैमिट बन रहा है मेल का, तो ये फीमेल का ये वाला गैमिट, या एक सेल जिनके पास डिजायर्ड करेक्टर को कंट्रोल करने वाली जीन नहीं है, ये फ्यूज कर गया मेल गैमिट के साथ। अगर ये वाला फीमेल गैमिट मेल गैमिट के साथ फ्यूज किया होता, तो जो जाइगोट बनता, जो एम्ब्रियो बनता, उसके थ्रू जो नया प्लांट बनता, उसमें चली जाती ये क्रोमोसोम, उसमें चला जाता ये क्रोमोसोम। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए ये सेल जहां जाएगी, ऐसे आप समझिए कि ये क्रोमोसोम जहां जाएगा वहीं जाएगी ये जीन, और ये सेल जहां जाएगा वहीं जाएगा ये क्रोमोसोम वहीं जाएगी ये जीन। तो जीन वहीं जाएगी जहां क्रोमोसोम जाएगा, और क्रोमोसोम वहीं जाएगा जहां पे सेल जा रही है, और इस सेल को हम यहां पे बोल रहे हैं गैमीट। तो मान लीजिए ये गैमीट फ्यूज किया तो जाइगोट में गया, जाइगोट में अगर ये सेल होगी तो ये क्रोमोसोम होगा, ये क्रोमोसोम होगा तो ये गैमीट होगी, ये क्रोमोसोम होगा तो ये क्या होगा, जीन होगा। तो मैंने आपको बताया कि अगर ये सेल या ये गैमीट फ्यूज कर रहा है किसी दूसरे मेल गैमीट के साथ, तो जो जाइगोट बनेगा उस जाइगोट में ये गैमीट जो है अपना सारा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, सारा जेनेटिक कंटेंट ले करके जाएगा, यानी ये सेल अपने क्रोमोसोम्स को लेके जाएगी, क्रोमोसोम्स अपने जीन्स को लेके जाएंगे, यानी उस जाइगोट में यही क्रोमोसोम होगा रेड वाला, और रेड वाले क्रोमोसोम पे हमारी डिजायर्ड जीन प्रेजेंट है। यानी जो जाइगोट बन रहा है उसमें हमारे सुपीरियर करेक्टर को कंट्रोल करने वाली जीन है,
यानी उसमें वो हाइब्रिड करेक्टर है। और अगर ये वाला गैमेट फ्यूज किया दूसरे मेल गैमेट के साथ तो जो जाइगोट बनेगा उसमें तो डिजायर्ड करेक्टर वाली जीन नहीं जाएगी, यानी कि वो जो जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो के थ्रू जो नया प्लांट बनेगा उसमें तो जो डिजायर्ड करेक्टर या हाइब्रिड करेक्टर था वो जाएगा ही नहीं। तो कुछ ऐसे प्लांट बनेंगे या कुछ ऐसे सीड्स बनेंगे जिसमें डिजायर्ड करेक्टर वाली जीन होगी, जिसमें वो सुपीरियर डिजायर करेक्टर होगा जो हमने आर्टिफिशियल टेक्निक की हेल्प से इंट्रोड्यूस किया था। और कुछ ऐसे सीड्स या प्लांट्स भी हमारे पास बन जा रहे हैं जो इन गैमेट्स के फ्यूजन के थ्रू बनेंगे, इन गैमेट्स के थ्रू बनेंगे, उसमें है ही नहीं डिजायर्ड करेक्टर को कंट्रोल करने वाली जीन। तो वो जो प्लांट्स होंगे वो हाइब्रिड प्लांट ना होकर के नॉर्मल प्लांट हो गए, क्योंकि वो तो वैसे ही प्लांट हो गए ना जैसे पहले हमारे पास थे, जिसमें कोई भी सुपीरियर करेक्टर नहीं था, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी क्या थी, बहुत कम थी। तो अगर एक हाइब्रिड प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो ये पॉसिबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी है कि कुछ ऐसे प्लांट्स भी बन जाएंगे जिसमें ये हाइब्रिड करेक्टर जो बहुत मेहनत करके हमने, जो बहुत खर्च करके हमने डेवलप किया था, वो हाइब्रिड करेक्टर लॉस हो जाएगा, वो हाइब्रिड करेक्टर खत्म हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हाइब्रिड करेक्टर है, जो सुपीरियोरिटी है, वो लूज हो जाती है जस्ट अगले जनरेशन में। यानी कि अगर सुपीरियोरिटी लूज हो गई, मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई, तो इसलिए जो फार्मर्स होते हैं उस सीड को दोबारा दूसरे साल नहीं लगाते हैं, उसकी सोविंग नहीं करते हैं, उसको नहीं बोते हैं खेत में, क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी घट गई, उसमें जो डिजायर्ड करेक्टर था वो खराब हो गया, वो लॉस हो गया, उसका लूज हो गया वो करेक्टर। तो फिर अगले साल वो मार्केट से महंगे सीड्स खरीद करके ले आते हैं, हाइब्रिड सीड, फिर एक साल प्रोडक्टिविटी देता है, फिर यही प्रॉब्लम आती है। तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो मियोसिस होगी, क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन होगा तो अलग अलग सेल में अलग अलग तरीके के क्रोमोसोम्स आ सकते हैं, अलग अलग तरीके के गैमिट्स बन सकते हैं। और फ्यूजन फर्टिलाइजेशन एक अनसर्टेन प्रोसेस है, एक रैंडम प्रोसेस है, जिसको जो ऐसे प्लांट्स बना सकता है जिसमें हो सकता है हाइब्रिड करेक्टर हो सकता है ना हो। तो यानी कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो बिकॉज ऑफ मियोसिस, बिकॉज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन, बिकॉज ऑफ होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन, यहाँ पे हाइब्रिड करेक्टर क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं। प्लांट की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, घट जाती है, कम हो जाती है। इसी वजह से बेचारे किसान जो होते हैं या फिर फार्मर्स जो होते हैं, जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं, इनको हर बार नए हाइब्रिड महंगे सीड्स खरीदने पड़ते हैं, ये प्रॉब्लम आती है। अब अगर एपोमिटिक हाइब्रिड सीड्स बना लीजिए, अब ध्यान से सुनिएगा, अब इसका एडवांटेज मैं बता रहा हूँ, इतनी बात समझाने के बाद आपको समझ आएगा कि एपोमिटिक सीड का या एपोमिक्सिस का क्या फायदा है, क्या एडवांटेज है। अगर हम यूजुअल ट्रेडिशनल वे में अगर हम सीड्स ना बना करके, प्लांट्स ना बना करके, हम एपोमिटिक सीड्स के थ्रू प्लांट्स बनाएं, ध्यान से समझिए, हमने कहा कि इस तरीके से ट्रेडिशनल वे में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना कराएं, हम एक स्मार्ट तरीका ढूंढें, यानी हम नॉर्मल सीड के थ्रू खेती ना करके हम एपोमिटिक सीड के थ्रू एग्रीकल्चर करें, यानी कि एपोमिटिक सीड बेस्ड एग्रीकल्चर अगर हम करें तो बहुत फायदा होगा। क्योंकि हमने आपको बताया था कि एपोमिक्सिस क्या है, प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, और ऐसे सीड्स जो बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहे हैं उनको हम लोग बोलते हैं एपोमिटिक सीड, जिसमें एक डिप्लॉयड एग सेल, एक न्यूसिलर सेल डायरेक्टली एग सेल जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती है और ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है, वो सीड नया प्लांट बना लेगा। तो यहां पर मियोसिस ही नहीं हुआ। तो आप समझिए कि ये न्यूसिलर सेल है, मान लीजिए इसमें रेड कलर वाले क्रोमोसोम पे डिजायर्ड करेक्टर वाली जीन है, जो हाइब्रिड करेक्टर है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, और ये सेल अपने क्रोमोसोम को ना किसी को दे रही है, ना कहीं से दूसरा क्रोमोसोम ले रही है, तो इसके अंदर जो इसका करेक्टर है वो प्रिजर्व है ना, बचा है ना। तो ये इस रास्ते से जाकर के नया प्लांट ना बना करके ये डायरेक्टली एग सेल बनाए। हमने कहा कि मान लीजिए कि ये क्या है, न्यूसिलर सेल है, ये डायरेक्टली एग सेल बनाए, एग सेल जाइगोट एम्ब्रियो बनाए। तो जब ओव्यूल जो होगा ये सीड बनाएगा, तो ऐसे सीड को ही हम लोग क्या बोलते थे, एपोमिटिक सीड। तो अगर ये हमारे पास एक हाइब्रिड प्लांट की सेल है जिसमें इस रेड कलर वाले क्रोमोसोम पे हाइब्रिड करेक्टर को या डिजायर्ड करेक्टर को कंट्रोल करने वाली जीन है,
तो ये सेल जा ही नहीं रही है मियोसिस में, तो क्रोमोसोम का सेपरेशन सेग्रीगेशन होगा ही नहीं। जब ये सेल इस रास्ते से नहीं जाएगी तो ये क्रोमोसोम्स जो हैं ये सेग्रीगेट नहीं होंगे, डायरेक्ट ये क्या कर रही है, एक गैमिट बना रही है। अगर ये डायरेक्ट गैमिट बनाएगी और यहाँ पे मियोसिस नहीं हो रहा है गैमिट प्रोडक्शन के टाइम पे, न्यूक्लियर सेल्स डायरेक्टली गैमिट की तरह ये सेल एज अ गैमिट एक्ट करने लगे, तो इसमें तो वो क्रोमोसोम है ही ना जिसपे प्रेजेंट है डिजायर्ड कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली जीन, यानी कि अब इसमें से कभी भी ये पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी नहीं होगी कि ये जो जीन है जो हाइब्रिड कैरेक्टर या डिजायर्ड कैरेक्टर या सुपीरियर कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है वो कहीं और किसी दूसरे सेल में चले जाए। यही डायरेक्ट सेल एक सेल बना रही है, ये जायगोट बना रहा है, ये एम्ब्रियो बना रहा है और ओव्यूल कन्वर्ट हो जा रहा है सीड में, सीड को हम एपोमेटिक सीड बोलते हैं। और एपोमेटिक सीड से अगर हम नया प्लांट बनाएंगे तो वो प्लांट हमेशा अपने हाइब्रिड कैरेक्टर को क्या करेगा, प्रिजर्व करेगा। तो अगर ये सुपीरियर कैरेक्टर वाली सेल हाइब्रिड कैरेक्टर वाली सेल उस प्लांट की है जिसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, अगर ये डायरेक्ट बिना मियोसिस के एक सेल बनाएगी तो सेम ऐसी सेल होगी एक सेल, सेम ऐसा होगा जाइगोट, और एम्ब्रियो में जितनी भी सेल्स होंगी वो सेम की सेम ऐसी होंगी। और जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा तो ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सीड बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहा है तो एपोमिटिक सीड बोलेंगे, प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एपोमिक्सिस बोलेंगे। तो वो जो सीड होगा उसके थ्रू जो नया प्लांट बनेगा उसमें जितनी सेल्स होंगी वो ऐसी ही होंगी, यानी कि उस प्लांट में हाइब्रिड कैरेक्टर होगा, सुपीरियर कैरेक्टर होगा। और इस तरीके से हम चाहे जितनी जनरेशंस ऑब्टेन करेंगे, जनरेशन आफ्टर जनरेशंस, कभी भी यहाँ पे हाइब्रिड कैरेक्टर लूज होने का चांस ही नहीं बनता है, चांस ही नहीं बनता है, क्योंकि ये क्रोमोसोम अलग ही नहीं हो रहे हैं, किसी दूसरे सेल में जा ही नहीं रहे हैं, अलग अलग सेल में जा ही नहीं रहे हैं। तो जो सेग्रीगेशन है इसका चांस नहीं है क्योंकि मियोसिस नहीं करा रहे हैं, और अगर सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है तो अलग अलग क्रोमोसोम में, अलग अलग सेल में क्रोमोसोम के जाने की कोई चांस ही नहीं बनता। और यानी कि जितने भी सेल्स होंगे वो जितने भी जाइगोट बनाएंगे, वो जितने भी एम्ब्रियो बनाएंगे, एम्ब्रियो में चाहे जितनी मर्जी सेल्स हों और उस एम्ब्रियो के थ्रू प्लांट जो बने उसमें चाहे जितनी मर्जी सेल हों, लेकिन सारी की सारी सेल ऐसी होंगी, यानी हर एक सेल में ये रेड कलर वाला क्रोमोसोम होगा और हर एक रेड कलर वाले क्रोमोसोम पे बैठी होगी डिजायर्ड कैरेक्टर या सुपीरियर कैरेक्टर या हाइब्रिड कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली जीन। और यही तो हम चाहते हैं कि हमारे पास ऐसा प्लांट रहे जिसमें हाइब्रिड नेचर या सुपीरियर कैरेक्टर हमेशा बरकरार रहे। तो अगर एपोमेटिक सीड बनाते हैं और एपोमेटिक सीड से प्लांट्स बनाते हैं तो वो प्लांट हमेशा सुपीरियर रहेंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी हमेशा ज़्यादा रहेगी, क्योंकि उसमें हाई प्रोडक्टिविटी वाला कैरेक्टर, डिजीज रेजिस्टिविटी वाला कैरेक्टर कभी लूज नहीं होगा, वो हमेशा प्रिजर्व रहेगा, हमेशा बचा रहेगा। तो एपोमिक्सिस का एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है फार्मर्स को कि ये प्रिजर्व करता है सुपीरियर या हाइब्रिड कैरेक्टर को। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है मैं बोल रहा हूं।